बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट पेपर्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हुए थे, बहुत से बच्चे परेशान थे कि पास्ट पेपर जो है वो हमें मिल जाए ताकि यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न का अंदाज़ा हो जाए कि पेपर जो है वो किस तरह का आता है। चूँकि बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट टाइम फिजिकल पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी का फिजिकल पेपर जो है वो अटैम्प्ट नहीं किए थे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबके पास जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आप लोगों के साथ अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों ने पास्ट पेपर्स को किस तरह डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे GCUF पास्ट पेपर्स। आप लोगों ने डायरेक्ट GCUF पास्ट पेपर्स लिखना है तो आप लोगों को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ये नहीं कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उसके बाद वहाँ से आप जाके पास्ट पेपर ढूंढें, तो मे भी आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो आपने डायरेक्ट लिखना है GCUF पास्ट पेपर, तो वहाँ से आप लोगों को जो है वो लिंक मिल जाएगा। और तो ये सबसे पहला मेरे पास लिंक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम न्यू टैब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली पास्ट पेपर जो है वो अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पास्ट पेपर आप लोगों के पास ये एनुअल के हैं, सेमेस्टर्स वालों के यहाँ पर पास पेपर जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोगों के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि उसके लिए आप लोग अंदाज़ा ये कर लें कि आप लोगों का पेपर पैटर्न वाली वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी कि पेपर पैटर्न किस तरह का होगा सेमेस्टर वालों का। अगर नहीं किसी ने देखी तो आप मेरे चैनल पर पेपर पैटर्न की वीडियो पढ़ी, उसको देख सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 20 नंबर का जो है वो आपको क्वेश्चन लॉन्ग आएगा। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, उसके पार्ट्स डिवाइड होंगे, ठीक है? कि मतलब एक 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अंदर उसके तीन पार्ट हो सकते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चंस है ना डिवाइड होंगे 20-20 नंबर के। बाकी यहाँ पर आपको एनुअल के लिए तो पेपर मिल सकते हैं, मॉडल पेपर, लेकिन आपको यहाँ पर सेमेस्टर्स के जो पेपर है वो नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपका यही पैटर्न है कि 20-20 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का पेपर होगा और उसके आगे डिवाइड पार्ट्स होंगे ए एंड बी। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी, होप्स हो कि आपको अच्छी लगी हो। तो अभी तक अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबके पास पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।